किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम में स्वागत करते हैं फिर से एक बार। जहां हम लाते हैं पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ी सारी जानकारियां। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को हर साल 3 किस्त के रूप में 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। तो हम आपको बता दें कि करोड़ों करोड़ों किसान भाइयों को इस 12वीं किस्त का इंतजार है। तो हम आपको बता दें कि अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा किसान भाइयों को, क्योंकि 2,000 रुपए की 12वीं किस्त जारी कर दी गई है। तो फिर आप सोच रहे होंगे, जब जारी कर दी गई है तो क्यों नहीं पहुंची हमारे खाते में 2,000 रुपए की 12वीं किस्त। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कि किस डेट को, किस तारीख को किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की 12वीं किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। और हम आपको साथ ही साथ में बता दें कि इन करोड़ों किसानों में से 70 लाख किसान ऐसे हैं जिनका पैसा इस बार नहीं आएगा। वैसे आपको घबराने की कोई बात नहीं है। तो जान ले किन किन किसान भाइयों का इस बार पैसा नहीं आएगा, और ये भी जान ले किस तारीख को, किस डेट को हमारे खाते में 2,000 रुपए की 12वीं किस्त आ जाएगी। तो वीडियो में बने रहिए। और हम आपको बता दें, किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है कि सूखे को देखते हुए सरकार किसानों को देगी बड़ी राहत और फसल नुकसान की होगी भरपाई। कम बारिश और मानसून में सूखे जैसी हालातों का सामना कर रहे किसानों को दी जाएगी 20,000 रुपए की आर्थिक मदद। जी हाँ दोस्तों, और इस बार नहीं लिया जाएगा बिजली का बिल। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन की घंटी दिख रही है उसे बजाकर हमारे साथ फटाफट जुड़ जाइए, जिससे कि आपको पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ी सारी जानकारी मिलती रहे, एक भी जानकारी आपसे मिस न होने पाए। तो चलो बिना समय गंवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ी सारी जानकारी आपको देते हैं। तो हम आपको बता दें कि 70 लाख किसान ऐसे हैं जिन्होंने 31 जुलाई के पहले KYC नहीं कराया था, तो इस बार उनका पैसा नहीं आएगा। या रजिस्ट्रेशन फीडी में कोई भारी मिस्टेक, जैसे कि नाम गलत होने पर, या बैंक अकाउंट और आधार में नाम अलग अलग होने पर, या बैंक अकाउंट डिटेल गलत होने पर, या गलत एड्रेस होने पर, इन कारणों की वजह से इस बार उनका पैसा नहीं आएगा। और जिन किसान भाइयों ने 31 जुलाई के पहले अपना KYC करा लिया था, तो सिर्फ उन्हीं किसानों के बैंक खाते में पैसा आएगा। और हम आपको बता दें कि इसी सितंबर महीने में ही DBT के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर आपने KYC नहीं कराया है तो प्लीज किसी नजदीकी जनसेवा केंद्र पे जाके आप KYC करा लें, या रजिस्ट्रेशन फीडी में कोई मिस्टेक हो तो उसे सही करा लें। तो चलो चलते हैं, हम फिर मिलेंगे अगली नई जानकारी के साथ। तो आपको अगर पीएम किसान से जुड़ी नई जानकारी जानना है या कोई भी जानकारी जानना है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि रोज की तरह आपको नई जानकारी मिलते रहे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।